शनिवार को गीता प्रेस की स्थापना के शताब्दी वर्ष समारोह के शुभारंभ के अवसर पर पूजन और गीता पाठ कीर्तन का कार्यक्रम किया गया, जिसके संबंध में गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल ने बताया कि गीता प्रेस अपनी शताब्दी में प्रवेश कर रहा है। इस उपलक्ष्य में गीता प्रेस के भवन में भगवान का पूजन, गीता पाठ कीर्तन एवं रामायण का पाठ किया गया। भगवान राम सहित गीता प्रेस के लोगों ने और समाज के लोगों ने पूजा में भाग लिया। इसी संकल्प के साथ गीता हर घर में पहुंचे, इन्हीं भावनाओं को लेकर विशेष चेष्टा व प्रयत्न से इस कार्य को करना है। उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में गीता प्रेस की 20 ब्रांच फैली हुई है, उनमें विभिन्न विषयों पर गोष्ठी आयोजित होगी एवं लोगों द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के आयोजन भी होंगे। इस अवसर पर गीता प्रेस के राष्ट्रीय ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल, ईश्वर प्रसाद, निकुंज अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गीता प्रेस के ट्रस्टी आशुतोष उपाध्याय एवं देवी दयाल अग्रवाल ने कहा, जय जगदीश, जय जगदीश।
आशुतोष उपाध्याय जी, आज गीता प्रेस की शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ हो रहा है। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इस विशेष सुअवसर के साक्षी बने हैं। यही हमारा परम सौभाग्य है। ये वर्ष भर कार्यक्रम चलते रहेंगे इसके, और ठाकुर जी की कृपा से जो भी संयोग बनेगा उसमें यह कार्यक्रम इस प्रकार के संचालित होते रहेंगे, और हम आप सब लोग मिल करके इस कार्यक्रम का आनंद उठाते रहेंगे। और गीता जी का प्रचार प्रसार, ये 100 वर्ष तो पूरे हो गए, अगले हजारों वर्ष तक, लाखों वर्षों तक चलता रहे, ऐसी ही हम सब लोगों की कामना है। आज किस तरह का पूजा पाठ किया जाएगा? आज ही गीता प्रेस को 99 वर्ष पूरे होने के बाद 100वें वर्ष में प्रवेश हुआ है। आज से गीता प्रेस का 100वां वर्ष प्रारंभ हुआ है, तो शताब्दी वर्ष समारोह मनाने का निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम पूरे वर्ष भर चलेगा, तो आज उस शताब्दी वर्ष का पहला दिन था। इस अवसर पर हम लोगों ने भगवान का पूजा पाठ, गीता पाठ, पूजन, यह इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें गीता पाठ का, गीता का संक्षिप्त पाठ, रामचरितमानस का संक्षिप्त पाठ, पूजन और आरती इत्यादि का कार्यक्रम रहा। देवी दयाल अग्रवाल, ट्रस्टी गीता प्रेस। आज गीता प्रेस अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस उपलक्ष्य में भगवान का पूजन, तत्पश्चात श्री गीता जी का पाठ एवं श्री रामायण जी का पाठ किया गया। भगवान नाम संकीर्तन के सहित गीता प्रेस के लोगों ने तथा और समाज के लोगों ने इसमें भाग लिया, एवं इसी संकल्प के साथ कि गीता घर घर में पहुँचे, आध्यात्मिक ग्रंथ हमारे घर घर में पहुँचे, इन्हीं भावनाओं को लेकर हमें वर्ष पर्यंत विशेष चेष्टा से, विशेष प्रयत्न से इस कार्य को करना है। वर्ष जो आज 14 मई 2022 को शुरू हो रहा है, ये हिंदी महीने के हिसाब से 3 मई 2023 को वैशाख शुक्ल त्रयोदशी आएगी। उस समय तक विशेष आयोजन, हमारी विशेष जो ब्रांचें हैं, जो हमारे अन्य स्थान हैं गीता प्रेस के, जैसे गीता भवन, गोविंद भवन कार्यालय एवं 20 ब्रांचें जो पूरे हिंदुस्तान में हमारी फैली हुई हैं, उनमें विभिन्न विषयों पर गोष्ठी भी आयोजित होगी, एवं लोग समय समय पर जहां जिस संत का समय मिला उस अनुसार आयोजन भी होंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में कल ही हम लोगों को एक शुभ सूचना मिली है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति ने 4 जून को गीता प्रेस में पधारकर आशीर्वचन देने का निर्णय किया है, और हम सभी लोग बहुत प्रफुल्लित हैं, उत्फुल्लित हैं इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करके, आयोजित कर। तो मुख्य रूप से हमारे जो शुभारंभ है श्री राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होगा, इस चीज़ को लेकर गीता प्रेस परिवार बहुत प्रफुल्लित है।